मोनिया प्रखंड के बगनी गांव निवासी अनिल साथी औरंगाबाद के बालूघाट पर गोली लगने पर इलाज के दौरान हुई मौत। मृतक व्यक्ति शिवंश गुप्ता के पुत्र अनिल गुप्ता औरंगाबाद केरा बालूघाट पर मुंशी के तौर पर थे पदस्थापित। कानपुर बाजार स्थित श्री हरसुबरम बाबा के मंदिर की दान पेटी के रुपयों की 2 दिनों तक लगातार चलती रही गिनती। चैनपुर अंचलाधिकारी व मंदिर समिति के सचिव की मौजूदगी में श्री हरसुबरम बाबा की दान पेटी से निकले कुल 7,33,000 रुपए। माघ नवमी को मनेगा हरसुबरम बाबा का जन्मोत्सव। कैमूर जिले के सरकारी अस्पतालों के एम्बुलेंस चालकों ने समय से वेतन न मिलने पर काली पट्टी बांध कर जता रहे विरोध। एम्बुलेंस चालकों ने विभाग पर आरोप लगाते हुए कहा कि 8 घंटे काम बताकर 12 घंटे ड्यूटी कराने के बाद भी समय से नहीं मिलता है वेतन। कैमूर जिले के विभिन्न थानों में अलग अलग कांडों में जब्त शराबों के विभागीय पदाधिकारी के मौजूदगी में किया गया विनिष्टीकरण। मोनिया में 7,774 लीटर, रामगढ़ में 432, दुर्गावती में 397 और नुआव में 20 लीटर शराब को किया गया नष्ट। कैमूर जिलाधिकारी नवदीप शुक्ला ने बताया कि मोनिया और भभुआ के SDM पर लापरवाही बरतने के आरोप में की जाएगी कार्यवाही। संक्षिप्त मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम में दोनों अनुमंडल के SDM पर अनियमितता बरतने और काम में लापरवाही का लगा है आरोप। कैमूर सिविल सर्जन ने बताया कि पिछले 24 घंटे के भीतर पूरे कैमूर भर में 6,344 लोगों को लगाई गई है कोरोना की कोविशील्ड और कोवैक्सीन की डोज। कैमूर सिविल सर्जन डॉक्टर मीना कुमारी ने बताया टीकाकरण में कैमूर का रहा है बेहतर प्रदर्शन। चांद प्रखंड के भटानी पुल से 117 पीस 8 PM टेट्रा पैक शराब के साथ 2 धंधेबाज को पुलिस ने किया गिरफ्तार। गिरफ्तार दोनों धंधेबाज भगवानपुर थाना क्षेत्र के पड़ौती गांव निवासी अनुज मिश्रा जबकि दूसरा प्रिंस मिश्रा बताया गया है। भभुआ में कोरोना प्रोटोकॉल की अनदेखी कर रहे बस संचालकों से कैमूर परिवहन विभाग द्वारा वसूला गया 34,000 रुपए का जुर्माना। कैमूर DGO रामबाबू के नेतृत्व में भभुआ चैनपुर रोड अखलासपुर बस स्टैंड और पूर्व पोखरा बस स्टैंड पर चलाया गया विशेष जांच अभियान। कैमूर जिले के सभी थाना परिसर में अंचलाधिकारी और थाना अध्यक्ष के नेतृत्व में साप्ताहिक जनता दरबार का हुआ आयोजन। वैसे भूमि विवाद संबंधित मामले जिन पर दोनों पक्षों की सहमति थी उनका तत्काल हुआ निपटारा तथा मतभेद वाले को दी गई अगली तारीख। कैमूर जिले में पिछले 24 घंटे में हुए 2,274 कोरोना जांच की रिपोर्ट में कुल 15 मिले कोरोना के पॉजिटिव। कैमूर जिले में कोरोना की स्थिति सुधरते हुए कुल एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर हुई 113। इस खबर को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी को दबाइए। अगर Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो, लाइक और वीडियो को शेयर कीजिए। और कैमूर जिले की तमाम खबरें सबसे पहले अपने फोन पर पाने के लिए प्ले स्टोर से कैमूर न्यूज ऐप को इंस्टॉल कीजिए।